हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली का पराठा। इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक मूली ले ली है बड़े साइज की, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें डालेंगे आधा कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो बारीक कटी हरी मिर्च और एक छोटी चम्मच अदरक, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ ही अब मैं डाल रही हूँ इसमें आटा। यहाँ पे मैंने नॉर्मल रोटी बनाने वाले आटे का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर बेसन का भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे अब हम अजवाइन। यहाँ पे मैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन का यूज़ कर रही हूँ। अजवाइन पराठों में बहुत ही अच्छा होता है और सर्दियों के लिए तो और भी बढ़िया है, तो इसको ज़रूर डालें। नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार। इसके साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हमने हरी मिर्च भी ली है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे भुने हुए जीरे का पाउडर और गरम मसाला भी ले सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, तो स्पून से अच्छे से नहीं मिलेगा तो मैं इसको हाथ से मिला लूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमने मूली जो ली है वो एज इट इज़ ली है, मतलब उसको हमने स्क्वीज़ नहीं किया है, तो उसका पानी भी इसमें बहुत है, तो इसको पहले हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो मूली का पानी है वो भी आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो लगा के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी का हमें एक साथ यूज़ इसमें नहीं करना है, अगर पानी हम बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा आटा गीला हो जाएगा और रोटी बनाने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हमारा डो लगकर एकदम तैयार है। तो यहाँ मैंने पतन ले लिया है, अपनी सारी चीज़ें ले ली हैं और यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे सरसों का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं और घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इनसे लोइयां बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 लोइयां बना के तैयार कर लिए हैं और अब हम इससे रोटी बना के तैयार कर लेंगे। आप जैसे मर्जी वैसे इसको बना सकते हैं, छोटा बड़ा अपने साइज से, या थोड़ा पतला या मोटा, ज़्यादा मोटा भी ना रखें और ना ही ज़्यादा पतला करें, अच्छा लगता है ये नॉर्मल भी। तो यहाँ मेरा रोटी बनकर एकदम तैयार है, तवा मेरा गर्म है, उसमें डाल लेंगे। तो एक साइड से हमारी ये सिक गया है, इसको पलट के इसमें तेल लगा लेंगे। तेल को अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे और कोनों में थोड़ा सा दबाव देंगे ताकि ये साइडों से भी अच्छे से पक जाए। पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसमें तेल लगा लेंगे। आगे पीछे करते हुए अच्छे से परांठे को सेक लेंगे। ये पराठा खाने में बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, इसको एक बार एक अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसान भी है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक पराठा बनकर एकदम तैयार है। ऐसे ही हम अपना दूसरा पराठा बना लेंगे और ऐसे ही हम अपने बाकी के सारे पराठे बना लेंगे। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा और उसमें जाके ऑल को क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इन पराठों को फ्रेंड्स आप दही के साथ, सॉस, चटनी के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ, ये सब के साथ ही बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सर्दियों में इसको इंजॉय करें और इसको ज़रूर बना के देखिए। थैंक यू।